तुलसी पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई है। दरअसल एक बार शिवजी का अंश असुर जलंधर कैलाश पर चढ़ाई कर देता है और माता पार्वती को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तब महादेव और जलंधर के बीच युद्ध छिड़ जाता है। महादेव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह अपनी पतिव्रता पत्नी वृंदा के कारण सुरक्षित हो जाता था। वृंदा विष्णु भक्त थी। सृष्टि के कल्याण के लिए जलंधर का वध अनिवार्य हो गया था। तब विष्णु जी जलंधर वेश में वृंदा के पास जाकर उसका सतीत्व नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण महादेव जलंधर का वध करने में सफल हो जाते हैं। जब वृंदा को सत्य का बोध होता है कि जलंधर के रूप में विष्णु है, तो वह ग्लानी होकर नारायण को श्राप दे देती है कि वह पत्थर का बन जाए। तब माता लक्ष्मी के प्रार्थना करने पर वृंदा नारायण को क्षमा करती हैं और स्वयं को आत्मदाह कर लेती हैं। तब भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से राख के जगह तुलसी उत्पन्न होता है। तब नारायण वरदान देते हैं कि मेरे साथ तुम पूजी जाओगी, तुम हरि की पत्नी कहलाओगी। तब से तुलसी पूजा का प्रारंभ हुआ। वीडियो के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।